I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th. The topic is constructions. Previous video I've taught a lot of questions, सारी चीजें, a lot of problems for you and for your practice. In this process, I will solve few more questions for you and for your practice. That is only for practice. In this season, that topic is omitted from your syllabus, but your knowledge will be not omit. Knowledge should be upgrade. Knowledge should be clear about each and every things. क्या दोबारा आप 10th पास करने पर 10th वाले पढ़ेंगे? वो पढ़ रहे हैं. ये चीजें क्लियर होनी चाहिए अगर आप सब कुछ पढ़ रहे हैं. लेकिन जो चीज एग्जाम्स में आ रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. यही सिस्टम कि सब पढ़ना सब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो एग्जाम्स में आ रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करें. ये 11.1 का हम सेकेंड क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. 11.1 का सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन इज दिस, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू हूज साइड्स आर 2/3 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल. सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे. ट्राइंगल ड्रा करने के लिए क्या किया जाए? या तो तीनों साइड दिया हो, या तो दो साइड उनके बीच का एंगल दिया हो, या दो एंगल एक साइड दिया हो. तो यहां पे तीनों साइड दिया, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. तो गिवन अ ट्राइंगल एबीसी, एबी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आप पहले इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करें. इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए. मेरे पास तो मेरा वाला है फर्स्ट क्लास, जुगाड़ वाला. सबसे पहले हम क्या ड्रा करेंगे? एक रफ फिगर. अगर आप देखें रफ फिगर बना के, तो ये ऐसे बनेगा. अगर ये ए बी सी है, ये 5 है, 6 है, 4 है. तो सबसे पहले बी सी ड्रा करें. क्या ड्रा करें? ड्रा लाइन सेगमेंट बीसी. जैसे जैसे हम ड्रा करते जाएंगे, स्टेप्स शुड बी रिटन बाय मी. अपने द्वारा स्टेप्स भी उसी तरीके से लिखा जाएगा. तो ड्रा अ लाइन सेगमेंट बीसी ऑफ 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बीसी ड्रा. इसको मिटा दें. अब पॉइंट बी से, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. पॉइंट बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और पॉइंट सी से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. ये सी है, बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क और सी से 6 सेंटीमीटर का आर्क. ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर जो पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करेगा. यानी ड्रा लाइन सेगमेंट बीसी ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी. ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट सी ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर. बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट दैट इज ए. ज्वाइन ए बी एंड ए सी. दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी. कहानी अभी बाकी है दोस्त, अब तो कहानी शुरू होगी. ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट करना बहुत पहले जानते हैं, ये और बात है कि हम उसे समझ न सके, है कि नहीं? अब कह रहा है कि एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करना है जिसकी साइड इसकी 2/3, 2/3, 2/3 कभी कभी 3/2 देगा. तो 3/2 मतलब क्या होगा? 1.5 times, डेढ़ गुना हो, या 2/3, 2/3 हो. तो सब उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा. हम इसको मिटा दे रहे हैं. हम इस बी पर कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे. कोई भी एक्यूट एंगल, एक रे ड्रा कर लिया बी एस. ड्रा एन एक्यूट एंगल एट बी एंड ड्रा अ रे बी एस. कोई भी एक्यूट एंगल, नॉट नीड टू राइट यूज टू कंपास.
आप अपने आप को हाँ एक्यूट एंगल होने मतलब कि अगर सीधा लाइन ड्रा करेंगे तो 90 बनेगा तो उससे कम ही ये एक्यूट एंगल ये अलग बात है कि आपको अगर एक्यूट एंगल डिफरेंशियल नहीं पता जान लीजिए एक्यूट एंगल क्या होता है बिटवीन 0 एंड 90 यानी फ्रॉम 1 टू 89 डिग्री तो कोई भी एक्यूट एंगल बनाते हो अब 2/3 दिया है तो 2/3 दिया है तो जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो जो सबसे ज्यादा होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उतना पार्ट करते हैं थ्री पार्ट करते हैं 1, 2, 3 इसको B1, B2, B3 अगर 3/2 का तभी 3 पार्ट करते हैं लेकिन अगर 2/3 में डिवाइड करना है तो यहां लास्ट वाले पार्ट करके जो भी ट्राइंगल बनेगा उसकी साइड इस साइड से छोटी होगी इधर रखेगा 2/3 होने का मतलब अगर कोई 6 सेंटीमीटर है तो 6 का 2/3 क्या होगा 4 सेंटीमीटर यानी जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा उसकी साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 सेंटीमीटर क्लियर है ये ध्यान रखिए अब यहां से इस लाइन के पैरेलल B3 सी जो लाइन है CB3 इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रा तो किसी लाइन के पैरेलल में ड्रा करेंगे अब इस एंगल के इक्वल यहां एंगल बनाए कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे और उसी डिस्टेंस से यहां आर्क लगाएंगे और जो डिस्टेंस ये मेजर कर लेंगे वही मेजर करेंगे अब इसको मिला दें ठीक है ये मिला दिया देखते जाइए ये मान लीजिए सी डैश इसके पहले यहां से लाइन ड्रा किया जो बीसी को सी डैश पे इंटरसेक्ट करता है अब यहां भी अब इस CA के पैरेलल यहां से लाइन ड्रा करते हैं सेम प्रोसेस किसी लाइन के पैरेलल लाइन से ड्रा करते हैं तो कोई भी डिस्टेंस लेके ऐसे आर्क लगा लेंगे और उसी डिस्टेंस से हम ये आर्क लगा लेंगे और ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और यहां पे काट इससे इसको मिला लेंगे एंगल के इक्वल एंगल बनाना है इससे इसको मिला लेंगे और जहां पे इसको इंटरसेक्ट करे ए डैश हो गया अब ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी ये ध्यान रखेंगे जब आप मेजर करेंगे ये 6 अगर है ये 4 का होगा आप चेक कर सकते हैं ये 6 का है ये 4 का होगा ये 6 का है ये 4 का होगा ये 5 का है अगर 5 का है 5 × 2/3 यानी 10/3 3.3 और 4 के बीच का ये होगा और ये 4 है 4 × 2/3 8/3 यानी 3.2.67 के बीच में होगा ये तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं बेटा साइड क्या होगी इसकी कोई वो नहीं है तो किसी ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल ड्रा करना है तो आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं अगर ये 3/2 देता यहां पे 2/3 दिया था अगर ट्राइंगल 2/3 दिया था आप देख लीजिएगा तो यहां 2/3 दिया है सपोज करिए 3/2 देता अगर 3/2 देता तो 2 से इसको मिला और यहां से इसके पहले लाइन ड्रा करते इसको प्रोड्यूस करने का जहां इंटरसेक्ट करता प्रोसेस वही रहता है तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ कैन यू ड्रा द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल एक सर्किल दिया है और उसके बाहर एक पॉइंट दिया है उस पॉइंट से उस पर टेंजेंट कैसे ड्रा करते हैं तो कुछ मैसेज आया मेरे पास कि सर ट्राइंगल वाला भी समझा दीजिए तब मैंने कहा लोग ट्राइंगल भी समझा देते हैं क्या दिक्कत है कुछ नहीं करना है ध्यान से समझिएगा उबिएगा मत थोड़ा ध्यान लगा समझिएगा कि पहले दिया है ट्राइंगल ABC हमने ABC ट्राइंगल ड्रा कर लिया 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर फिर कराए कि एक और ट्राइंगल आपको ड्रा करना है जो इसके सिमिलर हो अब प्रत्येक साइड इसकी 2/3 हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमने क्या किया बी पर कोई भी एक एंगल बनाते हुए एक रे बी एक्स ड्रा किया और क्योंकि 2/3 यानी 2/3 है 3 बड़ा है जिसके 3 इक्वल पार्ट है और लास्ट पार्ट को इसके एंड पॉइंट से मिला दिया और सेकेंड पार्ट से इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा किया जो बीसी को सी डैश पर इंटरसेक्ट करता है और सी डैश से सीए के पैरेलल लाइन ड्रा किया जो बीए को ए डैश पर इंटरसेक्ट करता है ए डैश बीसी जो ट्राइंगल है वो एबीसी के सिमिलर होगा कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे स्टेप्स कैसे लिखेंगे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट बीसी आप 5 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी एंड अगेन ड्रा एन आर्क ऑफ
6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी, बोथ आर इंटरसेक्ट एट ए, जॉइन एबी एंड एसी, दिस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल एबीसी। अगेन ड्रा एन एक्यूट एंगल एट बी एंड ड्रा अ रे बीएक्स, कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल एंड ड्रा अ रे बीएक्स, टू थ्री इक्वल पार्ट्स ऑन रे बीएक्स सच दैट बी1 बी2 एंड बी3, जॉइन बी3 टू सी, ड्रा अ पैरेलल फ्रॉम बी2 टू बी3 सी व्हिच इंटरसेक्ट बीसी एट सी1। हाउ कैन यू ड्रा, नॉट नीड टू राइट, बस ड्रा कर, फ्रॉम पॉइंट सी1 ड्रा अ पैरेलल टू सीए व्हिच इंटरसेक्ट बीए एट ए डैश, जॉइन दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए डैश बीसी, बीसी डैश ए डैश बीसी डैश व्हिच इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। ओके, कहते हैं ना गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वह शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोई चीज हार्ड नहीं है, हम अपनी सोच से उसे हार्ड बनाते हैं, इजी बनाते हैं, जो चाहे वो बनाते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे क्या बनाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, आप बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, है ना। ये मैंने किया, आप कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। 21 में 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो पट्टी हो जाएगी ना, तो कोई कह रहे हो बाबा मन तो नींद आ रहा है, मन का कर रहे तो वीडियो में बड़ी नींद आ रही है, तो ऐसा नहीं बोलने का, अच्छे से प्रैक्टिस करने का, अच्छे से आगे बढ़ने का, अपने लाइफ को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने का, लाइफ का फ्यूचर ब्राइट करने का। ओके ना, लाइफ का फ्यूचर ब्राइट करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक शानदार शानदार जबरदस्त रहिए, ठीक है, साइलेंट रहिए, मतलब लाइफ से नहीं बुराइयों से, और अपने को आगे बढ़ाते रहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, करवाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।